यमुनानगर में रेहड़ी फड़ी की आड़ में चिट्टे का नशा बिक रहा है। इसी को लेकर आज सैकड़ों लोग पुलिस प्रशासन से मिले हैं। जिला सचिवालय में आए लोगों का कहना है कि यमुनानगर जगाधरी में रेहड़ी फड़ी की आड़ में युवाओं का पतन करने वाला नशा चिट्टा बिक रहा है, जिससे शहर की युवा पीढ़ी नशे की जद में जा रही है और अगर इस बढ़ते हुए नशे को न रोका गया तो भविष्य में इसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। वहीं जिला सचिवालय में आए लोगों ने प्रशासन को नशे को रोकने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस ज्ञापन के बाद क्या एक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ज्ञापन दिए जा चुके हैं। आज भी प्रशासन द्वारा इनकी मांग पर बड़ा आश्वासन दिया गया। 700 फड़ी वाले फड़ी लगाते हैं जो कि अवैध व्यापार करते हैं। हमारे यूपी से, उत्तराखंड से, हिमाचल से वो लोग आते हैं। जो मेरा जगाधरी का व्यापारी है उसको तंग किया जाता है, अभी तेरे पास इस चीज़ का बिल नहीं है, तेरे पास उस चीज़ का बिल नहीं है। जब बॉर्डर से हमारा माल व्यापारी का आना होता है तो उसके लिए तरह तरह के बिल मांगे जाते हैं। जब ये 700 फड़ी वाले दूसरे प्रदेशों से हमारे शहर के अंदर आते हैं, इनसे कोई बिल नहीं मांगा जाता। अभी पीछे मेरे व्यापारियों के ऊपर छापा मारा गया कि जी आपके पास डुप्लीकेट माल है। मतलब मेरे दुकानदार के ऊपर तो छापा, जो बिल दे के माल आ रहा है, GST दे के माल आ रहा है, और जो ये फड़ी वाले हैं जो कि डुप्लीकेट टोटल कारोबार कर रहे हैं, चाहे उसमें गारमेंट्स का काम है, चाहे जूते का काम है, चाहे हमारा करियाने का काम है, मेरे शहर को 50 लाख रुपये हफ्ता का नुकसान है, 2.5 करोड़ रुपये महीना। अगर यही रुपया मेरे शहरी व्यापारी के जेब में जाएगा, मेरे ऑटोमेटिकली सारे कारोबार बढ़ेंगे।